नमस्कार दोस्तों, ये चार खिलाड़ी ले सकते हैं सीएसके में सुरेश रैना की जगह, यूए के मैदानों पर मचा सकते हैं धमाल। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप आईपीएल 2020 को और चेन्नई सुपर किंग्स को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल के आगाज से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मुश्किलों में गिर गई है। पहले टीम के सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए, उसके बाद टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज सुरेश रैना ने निजी कारणों के चलते टीम का साथ छोड़ दिया है। रैना का आईपीएल से बाहर होना सीएसके के लिए बहुत बड़ा झटका है। सुरेश रैना काफ़ी दिनों से आईपीएल की तैयारियों में जुटे थे, टीम में सुरेश रैना की जगह को भरना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि किसी अन्य खिलाड़ी को उनकी जगह टीम में शामिल करने का विकल्प चेन्नई सुपर किंग के पास है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी जो सीएसके को रैना की जगह फिट हो सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पास विदेशी कोटे से कोई जगह खाली नहीं है, इसलिए भारतीय कोटे से ही खिलाड़ियों को लेना पड़ेगा। इसलिए हनुमा विहारी सुरेश रैना की जगह फिट हो सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले सीजन में उन्हें फिनिशर के रूप में खिलाया था, लेकिन वह टॉप क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। 26 वर्षीय हनुमा विहारी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और यूएई के बड़े मैदानों में यह अहम साबित हो सकते हैं। यूएई में स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, ऐसे में हनुमा विहारी की गेंदबाजी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काम भी आ सकती है। दूसरे खिलाड़ी है धाकड़ बल्लेबाज यूसुफ पठान, जो यूसुफ पठान के लिए इस बार किसी भी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई थी। यूसुफ पठान आईपीएल में 3 अलग अलग टीमों के लिए खेले हैं और चैंपियन टीमों का हिस्सा भी रहे हैं। यूसुफ पठान के पास तेजी से रन बनाने के अलावा गेंदबाजी में भी विकेट लेने का भी हुनर है। आईपीएल में यूसुफ पठान ने 142 से ज़्यादा की औसत से रन बनाए हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी टिककर तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स टीम में शामिल किया जा सकता है। तीसरे खिलाड़ी है रोहन कदम। रोहन कदम को भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रैना की जगह शामिल कर सकती है। कर्नाटक के इस बल्लेबाज को नीलामी में किसी ने नहीं खरीदा था। हालांकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ उनकी 71 रनों की पारी की चर्चा हो रही है। रोहन मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं और तेजी से रन बनाने में सक्षम है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रोहन कदम ने 2 शानदार पारियां भी खेली थी। तो दोस्तों चौथे खिलाड़ी हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी चेन्नई सुपर किंग्स में सुरेश रैना की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि एमएस धोनी की टीम में वो खेल चुके हैं पुणे सुपर जायंट्स के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूँ।